बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। व्यूअर्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रेप्लिकेशन क्या होती है, रेप्लिकेशन की स्ट्रेटजी को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्यूअर्स रेप्लिकेशन होती क्या है। व्हाट इज़ रेप्लिकेशन? डाटा रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस इन विच द डाटा इज कॉपीड एट मल्टीपल लोकेशन डिफरेंट कंप्यूटर ओवर सर्वर। व्यूअर्स, डाटा रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जिससे आप एक डाटे की मुख्तलिफ कॉपीज को मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर, वो बेशक कंप्यूटर सकते हैं या सर्वर हो सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, जिससे आपकी डाटा अवेलेबिलिटी जो है ना वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। अब अगर टाइप की बात की जाए तो देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा रेप्लिकेशन। नंबर वन है जी सिंक्रोनस रेप्लिकेशन और दूसरी है जी हमारे पास एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन। दो तरह की टाइप होती है, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन एंड एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन। तो देखते हैं जी सिंक्रोनस रेप्लिकेशन क्या होती है और उसके बाद हमारी एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन कैसे काम करती है। इन सिंक्रोनस रेप्लिकेशन द रेप्लिका विल बी मॉडिफाइड इमीडिएटली आफ्टर सम चेंज आर मेड इन द रिलेशन टेबल। आप व्यूअर्स, किसी भी टेबल या रिलेशन के अंदर आप कुछ चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग फौरी इमीडिएटली मॉडिफाई हो जाती है एट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। तो इस तरह की रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस रेप्लिकेशन कहते हैं। मीन के द रेप्लिका विल बी मॉडिफाइड इमीडिएटली आफ्टर सम चेंज आर मेड इन द रिलेशनल टेबल। किसी भी टेबल या रिलेशन के अंदर कोई भी हम चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग जो है ना इमीडिएटली मॉडिफाई हो जाती है बाकी तमाम लोकेशन के ऊपर। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल डाटा एंड रेप्लिका। तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये डाटा ओरिजिनल पड़ा हुआ है या हमारे पास कोई रेप्लिका डाटा है, क्योंकि उसकी जो है ना चेंजिंग जो है ना इमीडिएटली फौरन तमाम साइट के ऊपर हो जाती है। अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास देखें मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर हमारे रेप्लिका किया हुआ है, अब अगर हम मुल्तान वाले एरिया के ऊपर कुछ चेंजिंग करते हैं तो उसका अफेक्ट तमाम जो साइट्स है, कराची है, क्वेटा है या लाहौर है, उनकी साइट के ऊपर भी जो हो जाएगा। अब लाहौर वाला जो यूज़र है उसको ऐसे लगेगा कि जैसे मेरे पास ये ओरिजिनल डेटाबेस जो है ना ये यहाँ पे काम कर रही है। इसी तरह कोयटा वाले जो समझ लें कि साइट है उसके ऊपर भी जो वो डाटा है ना, जो भी चेंजिंग आई होगी वो इमीडिएटली यहाँ पे भी वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। और जो दूसरी रेप्लिकेशन होती है वो हमारे पास होती है एसिंक्रोनस। इन एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन द रेप्लिका विल बी मॉडिफाई आफ्टर कमिट इज फायर्ड ऑन द डेटाबेस। बस ये एसक्यूएल सर्वर की कुछ कमांड होती हैं, कमिट, रोल बैक। कमिट का मतलब होता है कि आपने कुछ चेंजिंग की है उसके बाद कमिट की कमांड लगाएंगे तो वो चेंजिंग जो है ना वो परमानेंट जो है ना उसका हिस्सा बन जाती है। जब तक कोई यूज़र या कोई साइट या डीबीए कमिट फायर नहीं करेगा तो वो तमाम जो आपने चेंजिंग की हुई है उस यानी कि चेंजिंग को तमाम रेप्लिका जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि इन एसिंक्रोनस रेप्लिकेशन द रेप्लिका विल बी मॉडिफाई आफ्टर कमिट। यानी कि किसी भी रेप्लिका को मॉडिफाई करने के लिए कमिट जो है ना वो फायर्ड होगा ऑन द डेटाबेस। जैसे हमारे पास रिवर्स देखें, यहाँ पे एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने कोई चेंजिंग की है और जैसे ही वो जो है ना वो कमिट की कमांड यूज़ करेगा तो ये कमिट जो है ना वो तमाम जो है ना आपकी साइट जो है ना उनके ऊपर जो है ना वो चेंजिंग जो है ना वो क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। मतलब बात करने का यह है कि सिंक्रोनस में होता है कि आप कोई भी चेंजिंग करेंगे तो वो इमीडिएटली तमाम साइट के ऊपर जो है ना वो चेंजिंग जो है ना वो हो जाएगी, जबकि एसिंक्रोनस में कोई भी यूज़र जब अब देखें ना, जैसे उसने कमिट की कमांड दी तो वो तमाम साइट के ऊपर जो है ना वो रेप्लिका जो है ना रेप्लिकेशन जो है ना वो हो जाएगी और वो साइट तमाम के ऊपर वो समझ लें कि चेंजिंग जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाएगी या मॉडिफाई हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।